कांकेर के पंजाखुर सिविल अस्पताल के बाहर सुरक्षा कर्मियों की हलचल बढ़ गई है। यहां नक्सलियों की गोलियों का शिकार बने जवानों को लाया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कांकेर जिले के पंजाखुर के प्रतापपुर के जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकले बीएसएफ जवानों का अचानक नक्सलियों से सामना हुआ। सुबह 11:45 नक्सलियों ने बीएसएफ की 114वीं बटालियन के जवानों को निशाना बनाया। जंगलों में छिपे नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घात लगाकर किए गए इस हमले में बीएसएफ के 4 जांबाज शहीद हुए। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कुछ नक्सलियों के जख्मी होने की खबर है। नक्सली हमले की खबर मिलते ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को कांकेर भेजा गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में नक्सलियों ने कई हमले किए जिसमें आम लोगों और जवानों को निशाना बनाया गया। 18 मार्च को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईईडी धमाका कर जवानों को निशाना बनाया जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। चुनाव को देखते हुए नक्सली लगातार लोगों से वोट नहीं डालने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इन दिनों नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है जिससे लोग शांतिपूर्ण मतदान कर सके। कांकेर से धर्मेंद्र महापात्र के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।